सपने में मंत्र, जागृत में लाभ। 6 अगस्त 2009 को मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि पथरी है। मैंने करीब 4 महीने एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक दवाइयां खाई, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर सब ओर से थक हार कर 24 नवंबर की शाम को मैं पूज्य बापूजी के श्री विग्रह के सामने बैठकर बहुत रोया और प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बीमारी को ठीक कर दो, नहीं तो शरीर को ही ले लो। रात को बापूजी ने सपने में एक मंत्र दिया और बोले, इसका जप करना, बिना ऑपरेशन के ही पथरी निकल जाएगी। मैंने खूब श्रद्धा व विश्वास से मंत्र जपना शुरू किया। लोगों के आग्रह पर 3 दिसंबर को पुनः एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने 7 दिन की दवा दी और कहा, ब्लैडर में 16 mm की पथरी है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। वह दवा भी असफल हुई। आखिर सब लोग बोले ऑपरेशन करवा लो, पर मुझे पक्का विश्वास था कि बापूजी बोले हैं तो बिना ऑपरेशन के ही पथरी निकल जाएगी। मैंने निश्चय किया कि मैं नहीं कराऊंगा ऑपरेशन। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप 15 दिन की दवाई और दे दें। डॉक्टर बोले, दवा से पथरी नहीं निकलेगी। मैंने कहा, जहां 4 माह इंतज़ार किया वहां 15 दिन और सही। दवा लेकर आ गया। 14 दिसंबर को सुबह 5 बजे पेशाब के द्वारा वह 16 mm की पथरी निकल गई। आज भी वह पत्थर मेरे पास रखा हुआ है। जब सपने की दीक्षा शरीर का रोग मिटा सकती है तो जागृत की दीक्षा भव रोग से मुक्ति कर दे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे करोड़ों बार प्रणाम, जो हजारों किलोमीटर दूर भी अपने शिष्य की प्रार्थना पर स्वप्न में भी रक्षा कर सकते हैं। ये अनुभव दंडपानी जी, जो कि मिलिंद नगर कुरला मुंबई में रहते हैं और वर्तमान में अहमदाबाद आश्रम में समर्पित हैं, उनका है। हरिओम।